गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग लेना, अर्थात वर्नियर कैलिपर के प्रयोग से किसी चौक को एक्यूरेसी में मापना। तो वर्नियर कैलिपर से किसी चौक को मापने के लिए हमें ये जानना होगा कि वर्नियर कैलिपर पर जो स्केल बने हुए हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, उसकी ग्रेजुएशन किस प्रकार है, उसकी बनावट किस प्रकार है। तो हम जाने के पहले वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल को, मेन स्केल के बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर हम बता देते हैं। मेन स्केल पर एक मिलीमीटर के निशान होते हैं, यानी कि उस पर जो निशान होगा वह एक एक मिलीमीटर पर होगा और वर्नियर स्केल पर 12 निशान होते हैं। ठीक है, तो 12 निशान होते हैं। तो हमें पढ़ना है किस प्रकार पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि हमने किसी जॉब का माप लिया, यहाँ पर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है वह होता है 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार पहला जो निशान है यहां से यहां तक, इसकी दूरी कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। तो यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर और यहां से यहां तक लेकर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहां से लेकर के इस लाइन तक आपका कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। यहां तक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहां तक 2 सेंटीमीटर। इस चीज को हमें जानना आवश्यक है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो वर्नियर कैलिपर पढ़ना नामुमकिन है, नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहां समझ रहे हैं कि यहां से यहां तक 5 मिलीमीटर और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। अगर ये 5 मिलीमीटर होता है तो ये जो निशान है ये आपका 6 मिलीमीटर होता है, यहाँ 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 10 मिलीमीटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस लाइन तक यहाँ तक आपका कितना माप होगा, इस लाइन तक कितना माप होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, मतलब यहाँ से करके यहाँ तक हमको पता करना है कि कितना मिलीमीटर हुआ, कितना माप हुआ इसका। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, लेकिन ये लिखना गलत होगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 11 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट 11 मिलीमीटर लिखेंगे, उसमें सेंटीमीटर को ऐड नहीं करेंगे। सेंटीमीटर को ऐड करने से समझने में दिक्कत होगा, इसलिए डायरेक्ट हम उसको 11 मिलीमीटर करेंगे। ठीक है, तो आप मेन स्केल को समझ गए, मेन स्केल को समझना जरूरी है। मेन स्केल पर जो कंडीशन बने हुए हैं उसका मान क्या होगा, किस निशान तक कितना मान होगा, तो ये जानना आवश्यक है। इसमें अगर डाउट रहेगा तो वर्नियर कैलिपर पढ़ने में असुविधा होती, नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 11 हो जाएगा 11 मिलीमीटर, यहाँ तक 12 मिलीमीटर, 13
20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन 20 मिलीमीटर कहेंगे 2 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, इसलिए कि इसके आगे भी और आपका मिलीमीटर का निशान होगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक भी लिखा गया, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर हो रहा है, तो यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मिलीमीटर, 21, 22, 23, 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर पढ़ना है इसको, मान लीजिए हमने किसी जॉब का माप लिया, जब माप लिया तो थर्मियर कैलिपर का जो मेन स्केल है और थर्मियर स्केल है उसकी स्थिति इस प्रकार है, मानना यहाँ पर है, मान लीजिए स्थिति इस प्रकार है, ये ऊपर वाला कैलिपर का मेन स्केल हो गया, मेन स्केल हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका स्लाइड करता है थर्मियर स्केल, ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि मेन स्केल के साथ ही थर्मियर स्केल भी ऊपर स्लाइड करता है, आगे पीछे चलता है। तो मान लीजिए ये थर्मियर स्केल है, थर्मियर स्केल है, तो इस पर किस तरह से कितना निशान होता है, टोटल टोटल 50 निशान होता है। जॉब का जो है माप लिया जा सकता है, जिसे अगले क्लास